In this chapter, in the beginning, you have read about First World War. This lesson started with how First World War created the feelings of nationalism among Indians. तो इस वजह से अगर आपको ये 3 नंबर का या 2 मार्क्स में आता है तो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स कि इंडिया हैड नो एनमिटी विद एनी कंट्री बट इंडिया पार्टिसिपेटेड ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश बिकॉज ब्रिटिश प्रॉमिस दैट आफ्टर वार दे वुड इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बट आफ्टर वार ब्रिटिश टर्न्ड मोर होस्टाइल टुवर्ड्स इंडियंस दे इंट्रोड्यूस वेरियस टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल दे इम्पोज न्यू टैक्स दैट वॉज इनकम टैक्स इंक्रीज रेवन्यू रेट्स इंडिया वॉज इकोनॉमिकली सोशली पोलिटिकली एक्सप्लॉइटेड सो दिस क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस तो इस वजह से आप इसको लिख दोगे टू फे माइंड्स का पूछ सकते हैं तो इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट साउथ अफ्रीका में लॉन्च की और क्यों 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है तो साउथ अफ्रीका में आप बताओगे ही लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट व्हाई इन साउथ अफ्रीका सत्याग्रह मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी बिकॉज बिकॉज इन साउथ अफ्रीका इंडियंस वर ऑल्सो ट्रीटेड बैडली बाय व्हाइट गवर्नमेंट दे वर ट्रीटेड एज ब्लैक्स ठीक है तो ही लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट व्हेन ही केम टू इंडिया ही टुक राउंड ऑफ द होल ऑफ द कंट्री बिगनिंग के सारे ईयर्स गांधी जी के टूर में गए हैं इंडिया का टूर लगाया था उन्होंने राउंड लिए थे इंडिया के तो उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने उनको कहा कि टुक राउंड ऑफ द होल ऑफ इंडिया ही टुक राउंड ही वाज शॉक्ड व्हेन ही सॉ पुअर कंडीशन ऑफ इंडियंस अंडर ब्रिटिश एंड पुअर कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स बाय हाई कास्ट हिंदूज तो गांधी जी ने यहाँ पे भी कौन सी मूवमेंट लॉन्च की सत्याग्रह मूवमेंट अब सत्याग्रह मूवमेंट का मीनिंग पूछा जा सकता है वो तो मूवमेंट में ही क्लियर है सत्या सत्या मींस ट्रुथ ग्रह मींस फाइट सत्याग्रह का मीनिंग है फाइट फॉर ट्रुथ तो इन दिस मूवमेंट ही आस्क्ड सत्याग्रहीज को यहाँ पे एक मैसेज भी दिया था गांधी जी ने इफ योर फाइट इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन यूज मोरल फोर्स टू विन द वॉर नॉट फिजिकल फोर्स तो ये मैसेज था क्योंकि ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस तो इस मूवमेंट के थ्रू ही टुक राउंड ऑफ उन्होंने 3 राउंड्स लिए थे इंडिया के जिन्हें कहा जाता है सत्याग्रह राउंड्स ऑफ महात्मा गांधी आपको किसी भी राउंड के बारे में पूछा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल आपको 2 मार्क्स में कहते हैं पीजेंट सत्याग्रह राउंड के बारे में बताओ इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट के बारे में बताओ 2 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना फिर कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट बताओ तो यू हैव टू राइट ओनली दैट आपको बाकी नहीं फिर लिखना या फिर राइट 3 राउंड्स ऑफ सत्याग्रह राउंड्स ऑफ महात्मा गांधी ये 3 नंबर का हो जाना है तो इस वजह से ये मैप के भी क्वेश्चन है मैप में भी इंक्लूडेड है ये वाला टॉपिक तो अगर मैप में देंगे तो इधर नहीं देंगे तो 3 सत्याग्रह राउंड्स फर्स्ट इन चंपारण चंपारण कहाँ पे है बिहार चंपारण इन बिहार यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं इस मूवमेंट को इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अपने आप ही बताई जा रहे हैं तो 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे अब ये 1916 कहां गए चंपारण इन बिहार इसको हम क्या कहते हैं इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट इंडिगो जो यहाँ पे इंडिगो वर्कर्स थे उनकी पीजेंट्स थे उनकी पुअर कंडीशन थी तो उनकी हेल्प करने के फिर सेकेंड राउंड उन्होंने कहां पे लिया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात कौन सी ईयर में या इसको हम क्या कहते हैं पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पे जो पीजेंट्स थे दे वर नॉट इन कंडीशन टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट गांधी जी उनका रेवेन्यू रिमिट कराने गए थे थर्ड राउंड उन्होंने कहाँ पे लिया अहमदाबाद अहमदाबाद कहाँ पे है गुजरात इट मीन्स ये दोनों राउंड्स कहाँ के हो गए गुजरात 2 राउंड्स उनके गुजरात के थे अब अहमदाबाद वाले राउंड को हम क्या कहते हैं कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट तो यहाँ पे वो क्यों गए भाई गांधी जी विजिटेड अहमदाबाद बिकॉज वर्कर्स के वेजेस क्या थे एंड वर्किंग आवर्स मोर तो गांधी जी उनके वेजेस बढ़वाने गए थे एंड वर्किंग आवर्स कम करवाने गए थे तो दीज वर द 3 राउंड्स ऑफ महात्मा गांधी अब इधर से 1919 का ईयर आता है तो इसमें बहुत कुछ हुआ आपको सारे इवेंट ध्यान में रखने हैं इसमें से कितने ही 2 मार्क्स 3 मार्क्स बन जाने हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट पेपर में बहुत बार सीबीएसई में आता है और कहते हैं राइट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट तो वो 3 मार्क्स में दे सकते हैं रॉलेट एक्ट 2 या 3 में दे सकते हैं रॉलेट सत्याग्रह 3 में दे सकते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में बताओ 2 मार्क्स तो 1919 में ब्रिटिश ने क्या पास किया रॉलेट एक्ट
रॉलेट एक्ट में, जस्टिस रॉलेट के अंडर पास किया था इस एक्ट में, ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस भड़क गए? किसको ब्लैक बिल्स भी कहा गया? रॉलेट एक्ट, आपको ब्लैक बिल्स देके कह सकते हैं, राइट? व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लैक बिल्स? 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट को ही हम क्या कहते हैं? ब्लैक बिल्स। ऐसा क्या हुआ था? इंडियंस, ब्रिटिश कुड अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। किसी जिस इंडियन पे शक होता था उसे उठाओ और 2 साल के लिए जेल में डाल दो। कोई भी, इंडियंस हैड नो राइट टू अपील, दलील एंड वकील, कोई राइट नहीं था इंडियंस के पास। तो ड्यू टू दिस इसे ब्लैक बिल्स कहा गया। तो इसी के लिए इंडियंस जो थे वो भड़क गए, वो नाराज थे ब्रिटिश से। गांधी जी वाज आल्सो अगेंस्ट रॉलेट एक्ट एंड ही डिक्लेयर्ड हड़ताल। कौन सी डेट को उन्होंने हड़ताल डिक्लेयर की? वेरी गुड, 6 अप्रैल 1919 को क्या डिक्लेयर हो गई? हड़ताल। इसे हड़ताल वर्ड ही लिखना है। हाँ, अलग बात है, वो आपको लिख के दे दे राइट नोट ऑन रॉलेट सत्याग्रह, तो वो यही है, हड़ताल ही रॉलेट सत्याग्रह। तो इस एक्ट के अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह डिक्लेयर किया। उन्होंने हड़ताल डिक्लेयर की इन होल ऑफ इंडिया ऑन 6 अप्रैल 1919। तो 3 मार्क्स में आ सकता है रॉलेट सत्याग्रह। तो इसमें आप क्या बताओगे कि ऑल ओवर इंडिया में क्या थी? स्ट्राइक। तो लोगों ने क्या किया? स्कूल कॉलेजेस बंद थे, जो जो स्ट्राइक में होता है आप लिखो, पीपल बर्न ब्रिटिश गुड्स एंड हीप। और फिर उन्होंने, लोगों ने इंडियन गुड्स यूज करनी शुरू कर दी। और फिर जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लिकर शॉप्स वर पैक्टेड अप। तो अमृतसर में भी हड़ताल थी। अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू वर अरेस्टेड। तो वहां पे लोगों ने कहा रिलीज दीज पोलिटिकल प्रिजनर्स, ब्रिटिश रिफ्यूज, पीपल टर्न्ड वायलेंट। तो ब्रिटिश को किसको बुलाना पड़ा? जनरल डायर। तो आप हड़ताल इस वे से लिख दोगे, रॉलेट सत्याग्रह इस वे से लिखोगे। तो जनरल डायर आया तो उसने आके क्या पास कर दिया? मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग पीपल वर नॉट अलाउड टू असेंबल, बट दे असेंबल्ड। अब यहाँ पे नोट बन जाना, कहाँ पे? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, राइट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो आपने बताना 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्या थी? पीसफुल मीटिंग कंडक्टेड बाय कांग्रेस। अब आउटसाइडर्स थे जो उस बैसाखी फेयर में आए थे, वो उस मीटिंग में चले गए विद देयर किड्स, अपने किड्स के साथ वो उस मीटिंग में चले गए, बिकॉज उन्हें उस मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था, तो वो वहां पे चले गए। जनरल डायर एंटर्ड द जलियांवाला बाग, ब्लॉक्ड द नैरो गेट एंड फायर्ड ऑन अनआर्म्ड इंडियंस। मैनी इंडियंस लॉस्ट देयर लाइफ, यू एंड होल इंडिया शॉक ड्यू टू दिस जलियांवाला बाग इंसिडेंट, एंड देयर वर स्ट्राइक्स इन होल ऑफ इंडिया अगेंस्ट दिस इंसिडेंट। अब जलियांवाला बाग पे नोट आए तो यू कैन राइट, लिख सकते हो ना 13 अप्रैल 1919। तो आप यहां तक लिखोगे पूरे इंडिया में फर्स्ट स्ट्राइक्स होगी। अब ब्रिटिश ने सत्याग्रही इसको पनिशमेंट दी, फोर्स देम टू क्रॉल इन द स्ट्रीट्स ऑफ अमृतसर, रब देयर नोजेस एंड आस्क देम टू डू सलाम टू ऑल साहिब। साहिब्स कौन होते थे? ब्रिटिश खुद। तो ऐसी वाली पनिशमेंट सत्याग्रही इसको मिली क्योंकि ब्रिटिश इसको कर्ब करना चाहते थे, जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स थे ना लोगों के, उसे कर्ब करना चाहते थे। उन्होंने सबको पनिशमेंट्स दी। अब इसके बाद गांधी जी को ये सब कुछ देख के दुख हुआ क्योंकि हर जगह वायलेंस थी, तो उन्होंने इस मूवमेंट को, सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल बैक किया। एंड नाउ ही डिसाइडेड टू लॉन्च विच मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया, और नॉन कोऑपरेशन को वो क्या बनाना चाहते थे? मास मूवमेंट। दिस टाइम ही वांटेड टू जॉइन हैंड्स विद मुस्लिम्स। अब नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग आना चाहिए पहले, तो कौन से ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, हु रोट हिंद स्वराज एंड इन विच ईयर, व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय ऑथर इन दैट बुक, हु रोट? गांधी जी। इन विच ईयर? 1909। व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय द ऑथर इन दैट बुक? इफ इंडियंस स्टॉप्ड कोऑपरेटिंग ब्रिटिश रूल, इट वुड ऑटोमेटिकली कम टू एन। तो ऐसे वाले आइडियाज गांधी, ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन पे आपको पूछ सकते हैं, राइट द प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 3 नंबर में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो 1920 में, वैसे तो गांधी जी ने तो लॉन्च कर दी, हिंदू सिख नाराज थे ड्यू टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट। मुस्लिम क्यों नाराज थे? मुस्लिम क्यों लॉन्च करना चाहते थे मूवमेंट? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि टर्की गॉट डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड पावर्स ऑफ खलीफा वर टेकन बाय ब्रिटिश एंड ही वाज स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स इस बात से भड़के हुए थे, इसलिए उन्होंने भी मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया था। एंड फ्रॉम मुस्लिम्स, हु वांटेड टू लॉन्च मूवमेंट? हु वांटेड टू लॉन्च?
वेरी गुड, अली ब्रदर्स नेम आते हैं उनके, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने डिसीजन लिया था लॉन्च करने का. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन हैंड्स विद महात्मा गांधी, बट पता है ना सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स दे डिड नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन हैंड्स विद मुस्लिम्स. अब गांधी जी को कहां कहां इनको कन्विंस करना पड़ा, फर्स्ट लेन कलकत्ता सेशन, बट वो कन्विंस नहीं हुए. देन इन नागपुर सेशन, वहां पे वो कन्विंस. अब कलकत्ता सेशन का आप मुझे मंथ बताओ. वेरी गुड, सितंबर. नागपुर सेशन नवंबर. न्यू दिल्ली वर्ड बना लो ना, नागपुर न्यू दिल्ली. दिसंबर कलकत्ता एज सुप्रीम कोर्ट, तो क्या बनेगा सितंबर कलकत्ता. याद रखो सुप्रीम कोर्ट कभी गलत नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं तो ये मंथ ही गलत होने हैं, मैप में गलत लोकेट करा हो गया. उन्होंने कहना है सितंबर मंथ वाली प्लेस लोकेट करो, और बच्चा लोकेट करा या नागपुर तो जीरो विल बी गिवन ना. सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली ऐसे बना के चलो, दोनों ही दिल्ली की, न्यू दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है, तो आप याद रखना उल्ट पुलट नहीं होएगा फिर. तो एक तो ये आपने याद रखना कि नागपुर सेशन में फाइनल डिसीजन लिया गया, और ये मूवमेंट लॉन्च होगी कब लॉन्च हुई मंथ बताओ. जनवरी 1921. वेरी इंटेलिजेंट, सबको आता है सब कुछ. जनवरी 1921 को ये मूवमेंट लॉन्च हो गई. अब प्रोग्राम्स क्या क्या इस मूवमेंट के, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो हु टुक द राउंड ऑफ होल ऑफ इंडिया, गांधी जी विद शौकत अली. He took the round of, both took the round of all of India because they wanted to encourage people to join this movement. क्योंकि mass movement नहीं बनानी थी उन्होंने, तो उनको था कि लोगों को encourage करेंगे, क्योंकि सत्याग्रह movement उनकी mass movement नहीं थी. पूछ सकते हैं सत्याग्रह movement कैसी movement थी, वो mass movement that was limited to the areas where Gandhi ji visited. In other parts of India people did not know about this movement, तो वो mass movement नहीं थी, इसलिए वापस ली थी उन्होंने. वैसे भी वायलेंस हो रही थी हर जगह, लोग वायलेंट हो रहे थे, तो गांधी जी को इस मूवमेंट को वापस लेना पड़ा. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी, मास मूवमेंट बनानी थी, उन्होंने टुक द राउंड ऑफ ऑल ऑफ इंडिया विद शौकत अली. अब इस मूवमेंट के प्रोग्राम्स क्या थे, गांधी जी ने कहा सरेंडर द टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिश. आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल सरेंडर कर दिया था आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट. दैट वॉज गिवन टू रविंद्रनाथ टैगोर बाय ब्रिटिश फॉर हिज एक्सेप्शनल वर्क. तो उन्होंने अपना टाइटल सरेंडर कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए ये टाइटल. तो गांधी जी ने लोगों को बोला सरेंडर द टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिश, बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स, बायकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, बट रिमेंड नॉन वायलेंट. क्या रहना आपने, नॉन वायलेंट. तो इस मूवमेंट में ये उन्होंने सारे लोगों को मैसेजेस दिया. अभी ये मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड हुई. अब आपको पूछा जा सकता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन टाउन्स बट आफ्टर फ्यू मंथ्स स्लोड डाउन, व्हाई? स्प्रेड भी होगी स्लो डाउन भी होगी, ऐसा क्या हुआ? स्प्रेड तो हुई क्योंकि टाउन्स के लोगों ने पार्ट लिया, उन्होंने ब्रिटिश गुड्स का बाइकॉट किया, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बाइकॉट किया. स्टूडेंट्स टीचर्स डॉक्टर्स सबने अपने इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए, घर बैठ गए. मिल मेड क्लोथ का बाइकॉट किया, खादी यूज करनी शुरू कर दी. बट आफ्टर फ्यू मंथ्स मूवमेंट स्लो डाउन क्योंकि वहां पे क्या नहीं थे, तो फिर लोग किधर चले गए, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस. और खादी क्या थी, तो अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर पुअर, सो दे कुड नॉट अफोर्ड खादी. या तो खादी भी सस्ती करवाते, तो खादी वाज एक्सपेंसिव. तो लोगों ने दोबारा क्या खरीदना शुरू किया, जो कि ब्रिटिश भेजते थे इंडिया, और वो बहुत चीप था एज कम्पेयर टू खादी. तो लोगों ने मिलमेड क्लोथ खरीदना शुरू कर दिया. तो इट मीन्स मूवमेंट क्या होगी, ब्रिटिश गुड्स तो फिर आ गई मार्केट में, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन तो लोगों ने फिर ज्वाइन कर लिया, तो मूवमेंट क्या होगी, स्लोड डाउन. अब कहां के लोगों ने इस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया, मद्रास. वेरी गुड, क्यों मद्रास के लोगों ने क्यों पार्ट नहीं लिया, क्योंकि वो कौन थे, नॉन ब्राह्मण्स दे वर. और किससे जेलस करते होते थे वो, ब्राह्मण्स, क्योंकि कांग्रेस हमेशा किसको पावरफुल पोजीशन, ब्राह्मणों को. तो नॉन ब्राह्मण्स को लगता था कि हम कुछ भी करें हमें पावरफुल पोजीशन नहीं मिलेगी. दे वॉन्टेड टू टेक पार्ट इन इलेक्शन, दे वर ऑन द व्यू दैट बाई टेकिंग पार्ट इन इलेक्शन दे वुड कम इन पावर ऑन देयर ओन. नहीं तो कांग्रेस तो हमें कभी भी पावरफुल पोजीशन नहीं देगी, ये तो ब्राह्मणों को ही देगी. तो इसीलिए वो ब्रिटिश के साथ रहे, वो इसमें नहीं आए, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं आए. याद रहेगा मद्रास प्रेसिडेंसी के लोग नहीं आए. अब आ गया मूवमेंट इन कंट्री साइड. अब कंट्री साइड के लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर द पीपल ऑफ कंट्री साइड, बोलो. इनकी लड़ाई ब्रिटिश के साथ तो थी नहीं, दे हैड नो फाइट विद ब्रिटिश, they had their fight with talukdars, they wanted to get freedom from talukdar. to indian the
वो क्या कलेक्ट करते थे लोगों से? इट मींस इंडियन किससे लड़ रहा है? इंडियन से ही लड़ रहा है, नॉट विद ब्रिटिश. तो दे वांटेड फ्रीडम फ्रॉम ताल्लुकदास. अब यहाँ पे बाबा रामचंद्र सन्यासी लेड द मूवमेंट, इंडेंचर्ड लेबरर थे, लेड द मूवमेंट. कांग्रेस की तरफ से कौन गया था यहाँ पे? कांग्रेस, वेरी गुड. पंडित नेहरू विजिटेड अवध और बाबा रामचंद्र सन्यासी के साथ मिलकर क्या सेटअप की थी? ओध किसान सभा. क्या? ओध किसान सभा. वास पूछ सकते हैं, हु सेट अप ओध किसान सभा? विद बाबा रामचंद्र सन्यासी, दोनों ने मिलकर सेटअप की थी. बट यहाँ पे लोग क्या हो गए? वॉयलेंट. उन्होंने ताल्लुकदारों के घरों पे अटैक कर दिया. कांग्रेस कभी भी वॉयलेंस की फेवर में नहीं थी. तो यहाँ पे भी सपोर्ट बंद हो गई थी. यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मूवमेंट स्लो डाउन हो गई थी क्योंकि लोग वॉयलेंट होते जा रहे थे. अब हम बात करेंगे ट्राइबल एरियाज. ट्राइबल एरियाज में फॉर द पीपल ऑफ ट्राइबल एरियाज स्वराज मीन टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस. देखो यहाँ पे भी लोग क्या नहीं मांग रहे ब्रिटिश से? फ्रीडम नहीं मांग रहे. दे वॉन्टेड टू कलेक्ट ओनली फॉरेस्ट प्रोड्यूस. इतना सा कॉज लेके वो लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आए थे. तो अब ट्राइबल एरियाज में दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय अलूरी, वेरी गुड, अलूरी सीताराम राजू. कौन सा एरिया था उसका? गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. गुडेम हिल्स ऑफ ही लेड दिस मूवमेंट. अब अलूरी जो था ही वॉज मैन विद स्ट्रेंज क्वालिटीज. अपने आप को कहता होता था इनकारनेशन ऑफ गॉड. वो कहता होता था कि भगवान विष्णु का अवतार हूं मैं. एंड ही सेड दैट ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स. तो ऐसी वाली बातें अलूरी लोगों को बताता होता था. अलूरी लोगों को अलूरी जो था तो ऐसा था अलूरी. अब यहाँ पे क्या हुआ कि अलूरी जो था ना ही वॉज फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी. इनकरेज पीपल टू वेयर खादी. बट एक बात में गांधी जी से उसके व्यूज मैच नहीं होते थे. अलूरी बिलीव्ड इन वायलेंस वेयर एज गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. तो यहाँ पे अलूरी जो था ही टर्न्ड वायलेंट. उसने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, set it on fire. So he was captured by British and executed in 1924. So ye 3 marks mein pucha ja sakta hai. Movement in tribal areas, movement in countryside, ye 3 marks mein aa sakte hain aapko. Movement in towns, ye 3 marks ke questions hain sare. Ab movement in plantation area, ye bhi 3 marks mein pucha ja sakta hai. To yahan pe aapko yaad rakhna hai Inland Emigration Act na 1859 mein na British ne ek act pass kiya tha. Inland You have to learn Emigration Act. इस एक्ट के अकॉर्डिंग ना प्लांटेशन एरिया से लोग बाहर नहीं जा सकते थे. They were enclosed in the area. Inland Emigration Act was passed by British in 1859. By this act, Indians in plantation areas were not allowed to go out from the plantation areas. They were enclosed there. They were not allowed to meet their family members. तो उनको कैद करके रखते थे British. क्योंकि पुअर वर्किंग कंडीशंस थी. उनको था एक बार घर गए वापस नहीं आएंगे. तो इस वजह से तो अब प्लांटेशन एरियाज में ड्यूरिंग द डेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक रूमर स्प्रेड इन प्लांटेशन एरियाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट गांधी राजस कमिंग एंड एवरीवन वुड गेट लैंड इन हिज विलेज. नाउ दीज पीपल वॉन्टेड टू गो बैक देयर homes, but they were not allowed by the British. When they tried, they were given strict punishments and many were killed by the British. So this is about the movement in different parts. Ab aa gaya ke why Gandhi ji called back this movement. 3 marks ka question, 2 marks ka question kaise bhi aa sakta hai. Why Gandhi ji called back non-cooperation movement. To yahan pe aapko yaad rakhna hai one incident, that is chori chora. Map ki bhi place hai वेयर गांधी जी कॉल्ड बैक दिस मूवमेंट. लोकेट द एट प्लेस इन द मैप. तो आपको लोकेट करने के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन. 2 में भी आ सकता है, 3 में भी, मैप में 1 मार्क में भी आ सकता है. तो अब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ 1922 फेब मंथ 1922. अब यहाँ पे क्या हुआ? पहले तो आप ये बताओगे चोरी चोरा विलेज इन उत्तर प्रदेश. हियर पीपल टर्न्ड वॉयलेंट.
They attacked the police station and set it on fire. How many policemen lost their life? 22. 22 ही year है, 22 ही policemen, ऐसे कभी गलत नहीं होगा. 22 policemen lost their life. So though they were British, but Gandhiji was not in the favor of violence. That's why he decided to call back this movement. तो उन्होंने इस मूवमेंट को वापस लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया इन फेब 1922. लॉन्च कब हुई? जनवरी 1921. वापस कब ले ली ये मूवमेंट? मींस एक सिर्फ एक साल चली ये मूवमेंट. तो दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड बैक बाय महात्मा गांधी. अब यहाँ पे ना हम आगे जाके पढ़ते हैं कि मुस्लिम्स क्यों, मुस्लिम्स जो थे वो कट ऑफ होते जा रहे थे कांग्रेस से. वो यहां से पॉइंट है कि उन्होंने इनसे कंसल्ट नहीं किया था मुस्लिम लीडर्स के साथ.